अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की और भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के मौके पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद हैं। वहीं इसके बाद सीएम रुड़की पहुंचेंगे, जहां वे आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे और कई विकास कार्यों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद वे रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के आवास पहुंचेंगे और आखिर में वे देहरादून के लिए रवाना होंगे। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता नरेश तोमर जुड़े हुए हैं। नरेश जी, सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे हैं, इस दौरान उन्होंने बाबा रामदेव से मुलाकात की है, किस तरीके से, क्या कुछ खास इस दौरान कार्यक्रम रहा है, विस्तार से बताइए। नरेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं, इस दौरान उन्होंने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की है। इस दौरान आपको बता दें उन्होंने परिसर में पौधारोपण भी किया है, इस दौरान बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। वहीं इसी खबर पर फिर से संपर्क हमने किया है संवाददाता से, नरेश तोमर हमारे साथ मौजूद है। नरेश जी, पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं, क्या खास कार्यक्रम इस दौरान उनका रहा, विस्तार से बताइए। देखिए प्राची, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंच चुके हैं, जहां योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की है। इसके साथ ही पतंजलि रिसर्च सेंटर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बाबा रामदेव ने संयुक्त रूप से पौधारोपण किया है। मुख्यमंत्री के साथ इस समय राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मौजूद रहे, उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और हरिद्वार ग्रामीण सीट से मंत्री कैबिनेट मंत्री यशवंत भी यहाँ मौजूद रहे। और इसके बाद जो है मुख्यमंत्री का कार्यक्रम काफिला यहाँ से जो है सीधा रुड़की की ओर प्रस्थान करेगा, जहाँ पर वो रुड़की पहुंचेंगे, उप चिकित्सालय रुड़की में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री 12 के 15 वर्ष पर नेहरू स्टेडियम रुड़की पहुंचेंगे, जहाँ विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद 2 बजे मुख्यमंत्री सारे विधायक प्रदीप बत्रा के आवास पहुंचेंगे और उनसे वार्ता करेंगे। घंटा के विश्राम करने के बाद लंच वहां लेंगे, वो लंच लेने के बाद धामी गंगोत्री हरिद्वार के हरवा तिरकुल क्षेत्र पर पहुंचेंगे, जहां पर कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का शिलान्यास करेंगे और शाम को 5:15 स्टेडियम से देहरादून के लिए रवाना होंगे। जी नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं हम आपको बता दें पुष्कर सिंह धामी, सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं, इस दौरान उन्होंने बाबा रामदेव से मुलाकात की है। वहीं इस दौरान उन्होंने परिसर में पौधारोपण भी किया है, वहीं आगे भी उनका कार्यक्रम जारी रहेगा और आगे के दौरे के लिए वे रवाना होंगे हरिद्वार से।